हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्वेस्ट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ और इम्पोर्टेंट स्कीम्स देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो इस UPI ID के ऊपर आप डोनेट कर सकते हैं। जो हमारी पहली स्कीम आज हम देखेंगे वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसके नाम से ही हम इसके मंत्रालय का पता लगा सकते हैं। ये स्कीम तीन मिनिस्ट्रीज, तीन मंत्रालय मिल के चला रहे हैं। ये तीन मंत्रालय हैं। एक मंत्रालय बेटी के नाम से आप याद रखेंगे तो वो हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बचाओ, बचाने के लिए हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके अंदर आएगी। और बेटी को पढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्वॉल्व है। ये तीन मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो नोडल मिनिस्ट्री है, अगर आपसे पूछ ले नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो नोडल मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इंडिया के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा सेक्शन ऐसा है जो कि लड़कियों को एक बर्डन की तरह ट्रीट करता है। ये बर्डन होता है ज़्यादातर उनकी मैरिज की वजह से। उन्हें लगता है कि जब मैरिज होगी तो कहीं बहुत ज़्यादा डाउरी या दहेज ना देना पड़ जाए। तो इसी बर्डन की वजह से वो क्या करते हैं, वो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन कराते हैं कि अगर बेटी पैदा होने वाली है तो पहले से ही अल्ट्रासाउंड से पता कर लेते हैं कि बेटी पैदा होने वाली है और वो उसका अबॉर्शन करा देते हैं। दूसरा, अगर अबॉर्शन नहीं करा पाते और बेटी पैदा हो जाती है तो कुछ लोग उनकी हत्या तक कर देते हैं। तो ये बर्डन इसमें चल रहा है। कुछ गरीब लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए कि उनके दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। तो उस केस के अंदर जब एजुकेशन के ऊपर ज्यादा खर्चा होना होता है तो वो क्या करते हैं, अपने बेटे को पढ़ाते हैं, बेटी को नहीं पढ़ाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेटी तो दूसरे घर चली जाएगी, तो इसको अगर हमने पढ़ा भी लिया तो कल को इसकी पढ़ाई हमारे काम नहीं आने वाली। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक लड़की को बर्डन माना जाता है। 2015 के अंदर जब ये स्कीम चालू की गई, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लड़की को एज अ बर्डन ना माने, हम कुछ ऐसा करें कि लड़की एक इकोनॉमिक रिसोर्स की तरह देखी जाए, जैसे लड़का देखा जाता है। लड़के की एजुकेशन क्यों खर्च कर रहे हैं पेरेंट्स, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लड़का आगे जाके कमाएगा तो हमारी सेवा करेगा। होता उल्टा है, लड़कियां ज्यादा सेवा करती हैं लेकिन फिर भी लड़के को इकोनॉमिक रिसोर्स देखते हैं। तो ये जो स्कीम है, ये स्कीम क्या करना चाह रही है, ये चाहती है कि इस माइंडसेट को ही बदल दिया जाए कि लड़कियां बर्डन होती हैं। वो लड़कियों को एक इकोनॉमिक रिसोर्स की तरह बनाना चाहते हैं। वो कब होंगी, जब वो पढ़ेंगी, पढ़ेंगी तो वो अच्छे से कमा सकती हैं। जब उन्हें बचाया जाएगा तभी, जब उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उन्हें बचाया जाएगा तभी लड़कियों की जो रेशियो है, हमारी जो इंडिया की सेक्स रेशियो है, वो भी इम्प्रूव होगी। तो इससे आप ऑब्जेक्टिव सारे निकाल सकते हैं कि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन जो है वो ख़त्म हो, माइंडसेट चेंज हो, उनकी एजुकेशन के ऊपर फोकस हो, और मैरिज के टाइम पे और एजुकेशन के टाइम पे, इन दोनों टाइम पे जब पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम पे उनके पास पैसा होना चाहिए। ये जो स्कीम है ये इस काम के लिए बनाई गई है। कौन से मंत्रालय इन्वॉल्व है आपने देख लिया। देखिए, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन के लिए अल्ट्रासाउंड की मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो अल्ट्रासाउंड की मशीन को ऐसे ही कोई भी खरीद नहीं सकता या बेच नहीं सकता, उसको हाईली रेगुलेट किया जाता है। किस एक्ट के अंदर उसको रेगुलेट किया जाता है, इसको आप याद रखेंगे, PCPNDT। अजीब सा नाम है लेकिन ऐसे ही याद रखना पड़ेगा आपको, PCPNDT, यानी प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। और टेक्निक में क्या आ जाता है आपका, जैसे अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड से ये पता लगाया जा सकता है कि सेक्स क्या है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था टू रिजॉल्व डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो। ऑब्जेक्टिव आप इसके अंदर देख सकते हैं कि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन ना हो, बच्चे की सर्वाइवल बचे, बच्चा कौन सा, गर्ल चाइल्ड। अब हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा उनको खर्चा जो होता है वो होता है मैरिज के टाइम पे, और दूसरा खर्चा होता है एजुकेशन के टाइम पे। तो हम ऐसा क्या करें कि लड़कियां जो हैं वो एक इकोनॉमिक रिसोर्स की तरह देखी जाएं। तो पहला तो ये है कि उन्हें पढ़ाना चाहिए। दूसरा क्या है, हमने एक सुकन्या समृद्धि योजना बनाई। सुकन्या समृद्धि योजना क्या कहते हैं कि जो भी गर्ल चाइल्ड है, जो भी बच्ची है, अगर वो 10 साल से छोटी है तो उसके नाम का एक अकाउंट खुलवाया जा सकता है। ये अकाउंट कौन खोलेगा, उसके पेरेंट्स या गार्जियन खोल सकते हैं। ये अकाउंट लड़की के नाम पे होगा, लेकिन इसके अंदर पैसा कौन डालेगा, 10 साल से छोटी बच्ची तो पैसा नहीं डाल सकती ना, उसके पेरेंट्स डालेंगे। तो बेसिकली ये अकाउंट क्या कहता है कि पेरेंट्स तुम इस अकाउंट के अंदर पैसा डालो, तुम इसके अंदर जो पैसा डालोगे उससे हम तुम्हें इनकम टैक्स में छूट देंगे। तो लड़की के लिए अगर तुम पैसा जमा करते हो तो तुम्हें इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी, पहली चीज़ तो ये। दूसरा क्या बेनिफिट देते हैं, दूसरा बेनिफिट ये देते हैं कि अगर तुम इस अकाउंट के अंदर पैसा डालोगे तो जब तुम्हें इसका पैसा वापस मिलेगा,
पैसा यूज तो लड़की ही करेगी, पर जब पैसा मिलेगा तो उस पे जो इंटरेस्ट लगा होगा वो इंटरेस्ट हाई होगा। अगर आप किसी, मान लीजिए आप किसी सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा जमा कराते हैं, तो हो सकता है आपको 2 से 3% इंटरेस्ट मिले, यानी कि आपने 100 रुपये जमा कराए तो आपको 102 103 रुपये मिले। अगर आप किसी PPF के अंदर जमा कराते हैं तो उसके अंदर हो सकता है आपको 7% इंटरेस्ट मिल जाए। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर तुम सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करते हो तो हम तुम्हें PPF से भी ज़्यादा देंगे, ठीक है, तो तुम्हें हायर इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट मिल रहा है, दूसरा इनकम टैक्स में छूट मिल रही है। लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, जो कंडीशन हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो जाती हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि मान लीजिए आज अकाउंट खुला, तो ये जो अकाउंट है ये एक फंड की तरह बन जाएगा, ये एक फंड बन जाएगा। ये फंड में से आप आसानी से पैसा नहीं निकाल सकते। इस फंड की मैच्योरिटी क्या है, कितने सालों के लिए ये फंड बना है? ये फंड बना है 21 सालों के लिए। 21 साल तक तुमने जो इसके अंदर पैसा डाल दिया वो इसके अंदर जमा रहेगा। तो बात ये होती है कि अगर हमें एजुकेशन करानी है और 21 साल तक ये पैसा जमा रहेगा, हम निकाल नहीं सकते, निकालना मुश्किल है, तो हम एजुकेशन के ऊपर खर्चा कैसे करेंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा कि लड़की जब 18 साल की हो जाएगी तब वो इस फंड का 50% पैसा निकाल सकती है। लड़की जब 18 साल की हो जाएगी तो 50% फंड का पैसा निकाल सकती है, जिसको एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जा सकता है। फिर अगर लड़की की शादी होती है, शादी के टाइम पे जरूरत है, तो भी पैसा निकाला जा सकता है। लड़की जब 21 साल की हो जाती है, ये लड़की की उम्र है, लड़की जब 21 साल की हो जाती है तो लड़की सारा का सारा पैसा निकाल सकती है, ये उसकी मर्जी है, ठीक है, जितना भी पैसा बच गया। तो फंड कैसे निकाला जा सकता है? पहला तो इस फंड की एक नेचुरल उम्र है कि जैसे ही ये फंड 21 साल पुराना हो जाएगा तुम उसका सारा पैसा निकाल लोगे, उसके आगे ये फंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तुम्हें पैसा निकालना पड़ेगा। दूसरा, 18 साल की जब लड़की होती है तो 50% फंड निकाला जा सकता है उसकी एजुकेशन के लिए। तीसरा, लड़की की मैरिज के लिए, या फिर आप ऐसे देख लीजिए कि 21 साल की लड़की होती है तो उसके लिए वो सारा का सारा पैसा निकाल सकती है। अब इसके अंदर पैसा कैसे जमा होता है, ये तो निकालने के हमने 3 तरीके देख लिए, जमा कैसे होगा? देखिए, आज आपने फंड चालू किया और 21 साल के लिए ये फंड जो है वो एक फंड बन के रह गया, आप इससे पैसा नहीं निकाल सकते। इस फंड के अंदर आपको हर साल कुछ कुछ पैसा जमा कराना पड़ेगा, कुछ कुछ पैसा जमा कराना पड़ेगा, और हर साल आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं करा सकते, यानी एक साल में तुम सिर्फ 1.5 लाख रुपए जमा करा सकते हो। और कितने सालों तक जमा कराना है तुम्हें? ये तुम्हें जमा कराना है इस फंड के स्टार्ट होने के 15 सालों तक, ठीक है। तो आज अगर मान लीजिए 2000 में किसी ने सुकन्या समृद्धि योजना, तब वैसे एग्जिस्ट नहीं करती थी, बस कैलकुलेशन के लिए 2000 मान रहा हूँ, 2000 में ये अकाउंट खुलवाया था, तो वो 2015 तक उसको हर साल कुछ कुछ पैसा डालना पड़ेगा। मिनिमम अमाउंट कुछ भी मिनिमम अमाउंट होती है एक, उससे ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम वो 1.5 लाख रुपए हर साल इसके अंदर जमा कराता रहेगा। ये जो जमा हो रहा है 15 साल तक जमा होता रहेगा, और फिर 21 सालों तक, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक उसको इसके ऊपर ब्याज मिलती रहेगी, इंटरेस्ट मिलती रहेगी। फिर लड़की चाहे तो 18 साल की उम्र में निकाल सकती है या 21 साल का होने पे निकाल सकती है। तो ये हमारा पूरा फंड है जो आपको याद रखना है, सुकन्या समृद्धि इसका योजना इसका नाम है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे इसमें पूछा नहीं जाएगा। और क्या किया गया है लड़कियों को पढ़ाने के लिए? देखिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए एक और काम किया गया है, स्पेशल स्कूल्स खोले गए हैं। इन स्कूल का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स के अंदर, कंट्री के कुछ कुछ ऐसे एरिया हैं जिनको ब्लॉक्स बोल दिया गया है, इन ब्लॉक्स के अंदर KGBs खुलेंगे। और इसका मेन मकसद क्या है कि लड़कियां जो कि डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से आती हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके। और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनी थी, इसके अंदर भी हमने एक अलग से फंड बनाया है, इस फंड का नाम है जेंडर इंक्लूजन फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड। तो ये वाला फंड भी विमेन एम्पावरमेंट के लिए, विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। और वो अपलिफ्टमेंट कैसे होगी? जब वो ज़्यादा पढ़ेंगी, ज़्यादा पढ़ेंगी, यानी कि हम इस फंड को यूज़ करके लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम लड़कियों को एनकरेज करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के अंदर आएं और अपना स्कूल के अंदर एनरोलमेंट कराएं, स्कूल के अंदर नाम लिखवाएं, ताकि उनकी पढ़ाई चालू हो सके। तो 100% एनरोलमेंट करने के लिए इसका टारगेट रहेगा फंड का। सुकन्या समृद्धि योजना क्या चीज़ है? देखिए, एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है, किसके अंदर? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंदर।
इसके अंदर बर्थ से लेके जब तक लड़की 10 साल की नहीं हो जाती, आप तब तक ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे ही लड़की 10 साल की हो गई, 10 साल 1 दिन की लड़की हो गई, तो आप उसके बाद ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते। ठीक है, तो ये आपको ख्याल रखना है। मिनिमम आपको हर साल 250 रुपये जमा कराने हैं इसके अंदर, मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपये जमा करा सकते हैं। ये किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर या फिर कमर्शियल बैंक के अंदर आप खुलवा सकते हैं। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलते हैं। अकाउंट कितने सालों के लिए एक्टिव रहेगा? 21 सालों के लिए अकाउंट की लाइफ है। यानी आपने, मान लीजिए लड़की आपकी 9 साल की थी, आपने 9 साल की उम्र में सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाया, तो वो 21 साल, यानी कि लड़की जब तक 30 साल की नहीं हो जाती तब तक के लिए अकाउंट एक्टिव है। बीच में जब लड़की को पैसों की जरूरत पड़े, 18 की हो गई और उसको एजुकेशन की जरूरत, एजुकेशन के ऊपर खर्चा करने की जरूरत है, तो वो 50% रुपया निकलवा सकती है। लड़की जब 21 साल की हो गई तब भी वो सारा का सारा पैसा निकलवा सकती है। ठीक है, अगर वो नहीं निकलवाती, वो चाहती है, लड़की कहती है कि नहीं मेरा अभी काम चल रहा है, मेरा अभी काम चल रहा है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तो वो इस फंड को अपने 30 साल तक होने तक रखेगी। तो उससे उसको बेनिफिट क्या मिल जाएगा? उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, यहीं पे अगर उसने पैसे निकलवा लिए तो उसको जो ब्याज मिल रहा है, ब्याज सिर्फ इतना मिलेगा। वो पैसे यहाँ निकलवाएगी तो उसको इतना ब्याज मिल जाएगा, और ये ब्याज बहुत, मतलब बहुत नहीं, ज़्यादा ही ब्याज है। ठीक है, पार्शल विड्रॉल अलाउड है एट द एज ऑफ 18। किसके लिए अलाउड है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो पार्शल विड्रॉल अलाउड है, ये सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए अलाउड है। लड़की अगर बोले कि मेरे को एक लड़का पसंद है, मेरे को शादी करनी है, घर वाले मान नहीं रहे, मेरे को पैसा दे दो, तो बैंक बोले कि चल भाग यहाँ से, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई करनी है तो कर ले, लड़कों के पीछे अपना करियर मत खराब कर। ठीक है, तो 18 साल की होने के बाद जो 50% है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि 2016 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसका मंत्रालय कौन सा है? इसके, देखिए आपको यहाँ पे वो कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलेंगे, ज्यादातर बीमा की जो स्कीम होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निकालती है। ठीक है, लेकिन ये वाली एग्रीकल्चर की स्कीम है। ये बीमा की स्कीम तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा इसके अंदर जो रोल है वो फसल का है। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री ने निकाली है स्कीम, ये योजना है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। देखिए इंश्योरेंस काम कैसे करता है आपको ये समझना चाहिए। आपने मान लीजिए किसी भी चीज का इंश्योरेंस कराया, तो इस कंपनी के पास आप गए और आपने कहा कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी बाइक है, मेरे को इसका इंश्योरेंस कराना है। तो वो कंपनी कहती है ठीक है, आप हर साल मुझे 1,000 रुपये जमा कराते रहेंगे, अगर कभी आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी बाइक टूट जाती है, तो हम आपको उसकी बाइक की रिपेयर का खर्चा दे देंगे। ठीक है, मतलब वो बाइक की कोई वैल्यू निकालते हैं, पर बेसिकली आप ये मान लीजिए कि बाइक में अगर कुछ नुकसान होता है तो वो ये कंपनी भुगतान करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये जो आप हर साल कुछ कुछ पे करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, थोड़ी थोड़ी अमाउंट होती है, जो आप कुछ कुछ पे करते जा रहे हैं, इसको कहते हैं प्रीमियम। तो बेसिकली इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप प्रीमियम जमा कराते हैं कंपनी के पास, फिर अगर कोई दुर्घटना घट जाती है और आपको पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी आपको पैसा प्रोवाइड कर देती है, आपको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर देती है। तो इसी तरह से एग्रीकल्चर में क्या होता था, एग्रीकल्चर में किसान ने बीज खरीदे, इन बीज को वो सो करेगा, इनको बोएगा, और इनको बोने के बाद इसमें से फसल निकलती है, और फसल निकलने के बाद वो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे ये ग्रेन है, ठीक है, तो वो उस ग्रेन को चुन लेगा, जो भी इसकी चीज बिकने लायक होती है उसको वो निकाल लेता है, और फिर उसकी वो मार्केटिंग करता है। ठीक है, मार्केटिंग करता है, मार्केटिंग करने का मतलब मार्केट में उसको बेचने की कोशिश करता है। तो पहले वो सो करता है, फिर फसल को उगाता है, फिर उसकी मार्केटिंग करता है। इस फसल को जब वो ये इंपॉर्टेंट चीजें निकाल रहा है, जैसे गेहूं उग गया तो उसमें से गेहूं निकाले जाते हैं, धान उग गई तो धान निकाली जाती है, तो उसको कहा जाता है कि वो उसकी हार्वेस्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग के बाद मार्केटिंग होती है। प्रोसेस क्या है, सो करेगा, हार्वेस्ट करेगा, और फिर उसके बाद उसकी मार्केटिंग करेगा। अब किसी भी स्टेज पे, इसमें से किसी भी स्टेज पे उसको नुकसान झेलना पड़ सकता है। हो सकता है बीज खराब निकल गए, हो सकता है उसने अभी सिर्फ सोइंग की थी और सोइंग के टाइम पे बाढ़ आ गए और उसके सारे के सारे बीज के ऊपर जो खर्चा हुआ था वो सारा का सारा खर्चा बर्बाद हो गया, तो उसको अब पैसों की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, उसने सो किया था तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन फसल उसकी खड़ी है, फसल खराब हो गई, तो
तो उस फसल जब खराब हो गई तो उसके लिए भी उसको पैसों की जरूरत है। हो सकता है उसने लोन ले रखा हो सकता है उसने अपनी पूरी की पूरी जो भी जमा पूंजी है वो लगा दी हो, तो उसको लोन लेने उसको मतलब पैसों की जरूरत होती है। फिर जब फसल उसकी सब कुछ सही रह गया, उसने फसल निकाल ली, ट्रक पे ला दी और वो उसको मार्केट में ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही इस ट्रक का हो गया एक्सीडेंट और उसका सारा का सारा अनाज जो है वो नदी में गिर गया। अब भी उसको पैसों की जरूरत पड़ गई। तो इन तीनों स्टेज पे उसको पैसों की जरूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि किसानों तो तुम इंश्योरेंस क्यों नहीं करा लेते, तुम किसी कंपनी के पास जाओ, उसके पास जाके तुम अपने प्रीमियम भरो और इंश्योरेंस करा लो, अगर फिर तुम्हें कोई नुकसान होता है तो कंपनी पैसे दे देगी। तो किसानों ने कहा सर हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, वो प्रीमियम मांग रहे हैं 1,000 रुपये, हमारे पास मुश्किल से 100 रुपये होते हैं दिन के, तो हम उसे 1,000 रुपये दे देंगे तो रोटी कैसे खाएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, देखो तो मैं एक स्कीम चालू करता हूँ और इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके अंदर अगर तुम राबी क्रॉप उगा रहे हो तो जितना भी प्रीमियम है उसका सिर्फ 1.5% दे दो, यानी प्रीमियम अगर 100 रुपये है तो 1.5 रुपया दे आओ तुम, बाकी जो पैसे बचे, देखिए 100 रुपये प्रीमियम है मान लीजिए, तो गवर्नमेंट ने कहा राबी क्रॉप के लिए तुम सिर्फ 1.5% दे आओ, यानी कि 1.5 रुपया दे आओ, बाकी का 98.5 रुपया जो इस कंपनी को देना है वो कौन देगा, वो देगी सरकार, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रीमियम कंपनी के पास प्रीमियम पूरा जाना चाहिए, बस दे कौन रहा है, सिर्फ 1.5% फार्मर देगा, 98.5% जो है वो गवर्नमेंट दे देगी। तो राबी के लिए उन्होंने 1.5% बोला, तो खरीफ क्रॉप वाले बोलने लगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों, हमें क्यों नहीं दे रहे तुम कुछ फायदा। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो खरीफ क्रॉप के लिए हम तुम सिर्फ 2% प्रीमियम दे दो, हम 98% दे देंगे कंपनी को। तो खरीफ क्रॉप वाले भी खुश हो गए। और फिर उसके बाद जो लोग फल फ्रूट उगा रहे थे, जो हॉर्टिकल्चर कर रहे के उगा रहे थे, उनसे उन्होंने कहा कि हमारे लिए क्या है, तो सरकार ने कहा कि आप 5% दे दो, 95% हम देंगे। यानी कि जो कंपनी है, कंपनी के पास किसान कुछ प्रीमियम देगा, जो उसका बाकी बच जाएगा वो सरकार देगी। सरकार कौन सी देगी, केंद्र की सरकार कुछ हिस्सा देगी, स्टेट की सरकार कुछ हिस्सा देगी। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे जुड़े हुए कुछ कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। जब ये कहानी याद रहेगी तो आपको वो फैक्ट आसानी से याद हो जाएंगे। हो सकता है कहानियाँ थोड़ी लेंदी लगती हो तो डबल स्पीड पे आप देख लें, पर इनको एक बारी सुने जरूर ताकि भूलें ना। देखिए तो ये स्कीम थी। अभी तक क्या होता था, जो कंपनीज होती थी नॉर्मल प्राइवेट कंपनी मान लीजिए कोई कंपनी होती थी, वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती थी, तो वो इंश्योरेंस देती थी ऐसी चीज़ों का जो कि पूरे के पूरे गांव को, पूरे के पूरे जिले को अफेक्ट करे। जैसे बाढ़ आ गई, पूरे के पूरे जिले को अफेक्ट कर दिया, जैसे सूखा पड़ गया तो पूरा का पूरा गाँव जो है वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, तो ऐसी चीज़ में करती थी। मान लीजिए जिले के अंदर सिर्फ इतने हिस्से में कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोकल कैलेमिटी, ठीक है, कोई लोकल कैलेमिटी हो गई। अब ये जाता था जब इंश्योरेंस कंपनी के पास कि भाई साहब मैंने आपको सारा प्रीमियम पे किया हुआ है, मेरी फसल बर्बाद हो गई तो मेरे को पैसे दे दो। कंपनी क्या कहती थी कि हम लोकल कैलेमिटी के लिए कुछ भी नहीं देते, जब पूरा का पूरा जिला, पूरा का पूरा गाँव अफेक्ट होगा, हम सिर्फ उन्हीं केसेस में पैसे देते हैं। तो ये जो लोकल लोकल फसल बर्बाद हो रही है, यानी कि एक छोटे एरिया में फसल बर्बाद हो रही है, हम उसका कोई भी पैसा नहीं देते। तो इस चीज़ की किसानों को शिकायत रहती थी। तो किसानों ने जब ये स्कीम बनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये किसानों ने गवर्नमेंट को बोला कि ये हमें दिक्कत आ रही है कि लोकल डैमेज का कोई भी पैसा नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके अंदर लोकल डैमेज का भी हम पैसा दिलवाएंगे। तो अब देख लेते हैं स्कीम के सारे पॉइंट। अब आपको ज़्यादातर चीज़ें याद हो गई होंगी। प्रीमियम क्या है, एक यूनिफॉर्म प्रीमियम दे देना है। यूनिफॉर्म कितना, राबी वाले 1.5% दे देंगे, खरीफ वाले 2% दे देंगे, हॉर्टिकल्चर वाले 5% दे देंगे, बाकी जो इसका बचा 98.5, 98 और 95% वो सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलके देती रहेंगी। कवरेज किस चीज़ की है, चाहे उगाने से पहले की हो, प्री सोइंग यानी कि बीज खरीद के लाए उसका लॉस हो जाए, चाहे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो यानी कि मार्केटिंग के टाइम पे कोई लॉस हो वो, ठीक है, साइक्लोन्स की वजह से भी हो सकता है या अनसीजनल रेन्स की वजह से भी हो सकता है। उन्होंने क्या कहा कि जो लोकल लोकल कैलेमिटीज हैं हम उसको भी ध्यान में रखेंगे। कहीं पे ओले पड़ गए, जरूरी नहीं है ना कि ओला पूरे के पूरे जिले में पड़े ओला, हो सकता है ओले सिर्फ यहाँ पे, हेल स्टॉर्म जो है वो सिर्फ यहाँ पे पड़ा, तो इसको भी हम इस स्कीम के अंदर इंक्लूड करेंगे। लेकिन हम किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तुमने खुद ही अपने खेत में आग लगा दी और फिर तुम पहुंच गए कि भैया हमें तो ब्याज का, हमें अपने इंश्योरेंस का पैसा दे दो, तो कंपनी नहीं देगी। ठीक
ठीक है, यानी कि अगर मलिशियस डैमेज है तो नहीं देंगे, अगर कोई लड़ाई वॉर हो गई उस वॉर में फसल खराब होती है तो भी नहीं देंगे, न्यूक्लियर रिस्क है तो भी नहीं देंगे, ये या आपको याद रखना है। अगर कोई प्रिवेंटेबल रिस्क है, कोई ऐसा रिस्क है जो प्रिवेंट हो सकता था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी जमा हो गया, किसान चाहता तो उस पानी को निकाल सकता था और अपनी फसल बचा सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, जान के नहीं किया कि मेरे को इंश्योरेंस तो मिल ही जाएगा, तो उसको भी इंश्योरेंस नहीं देंगे। इंश्योरेंस कौन देंगे, ये याद रखने के लिए आप ऐसे याद कर लीजिए कि इंश्योरेंस जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है लाइफ इंश्योरेंस जिसके अंदर आपके जीवन के लिए इंश्योरेंस मिलती है कि अगर आप मर गए तो आपको पैसा, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स को पैसा मिल जाएगा। दूसरी होती है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। जनरल इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने ट्रैवलिंग का कर लिया कि मेरा लगेज खो गया तो उसका इंश्योरेंस है, तो ये सारे के सारे जनरल इंश्योरेंस में आता है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा कि ये जो स्कीम है ये LIC इंप्लीमेंट कर रही है, तो आपको इसको कैसे याद रखना है, इसके अंदर लाइफ का इंश्योरेंस थोड़ी हो रहा है, फसल का हो रहा है, LIC सिर्फ और सिर्फ लाइफ का इंश्योरेंस करेगी। तो इस केस में आप क्या कह देंगे कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको एम्पैनल किया जाता है, एक लिस्ट बनाई जाती है जिसके अंदर उनका नाम लिखा जाता है, और ये कंपनीज के पास आप जाके इंश्योरेंस कराएंगे। आप सिर्फ रबी उगा रहे हैं तो 1.5% देंगे, खरीफ उगा रहे हैं तो 2%, हॉर्टिकल्चर तो 5% देंगे, बाकी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर दे देंगे। बार बार सेंटर और स्टेट क्यों बोल रहा हूँ वो आपको अभी पता चलेगा। और इसके लिए देखिए सेंटर और स्टेट को पैसा देना पड़ेगा, तो सेंटर को उसके लिए कुछ पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। तो सेंटर और स्टेट ने क्या कहा कि हम एक फंड बना के रख लेते हैं, हम इस फंड के अंदर पैसा डालते जाएंगे, जितना भी पैसा इन इंश्योरेंस कंपनीज को, GICs को देना होगा एज पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो वो इस फंड को यूटिलाइज करके, इस्तेमाल करके देते रहेंगे। इस फंड का नाम है कृषि कल्याण कोष, ये आपको याद रखना है। और ये एक एमरजेंसी फंड है, किस लिए किया जाता है कि अगर किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्रॉप डैमेज हो गया है तो पैसा किसानों को देना पड़ जाए उसकी वजह से, तो ये फंड में से पैसा निकाल के दिया जा सकता है। अगर किसानों को सही रेट नहीं मिल रहा है, काफी लो रेट मिल रहा है, ठीक है, और मान लीजिए किसान को बना फसल उगाने में 10 रुपये लगते हैं पर वो मार्केट में बेचने के 5 रुपये मिलते हैं, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि 5 रुपये में बेचेगा तो तू रोटी खाएगा क्या, तेरे को तो 5 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो एक काम कर, तो ये चीज़ें मेरे पास एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बेच दे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बेच दे। कई बार क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का पैसा देने में देरी हो जाती है। वो देरी क्यों होती है, क्योंकि सरकारों के पास पैसा नहीं होता। तो उन्होंने क्या कहा है कि हमने जो ये कृषि कल्याण फंड बनाया, कोष बनाया है, कृषि कल्याण कोष, इस कोष में से हम पैसा दे देंगे ताकि देरी ना हो। MSP और एग्रीकल्चर के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि MSP क्या होता है, FRP क्या होता है, शुगर केन को कैसे पैसे मिलते हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, एक बहुत ही सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, कृषि कल्याण कोष का। अब इसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर कुछ चेंज आए हैं, स्कीम तो पुरानी थी। चेंज क्या है, पहले क्या कहते थे कि जब भी किसान को किसी भी लोन की जरूरत पड़ती थी और वो बैंक में लोन लेने जाता था, बैंक में लोन लेने जाता था, बैंक वाला ऑटोमेटिकली उसका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नाम लिखवा देता था। तो मान लीजिए बैंक से उसे लोन लेना था 100 रुपये, बैंक से लोन लेना था किसान को 100 रुपये, तो बैंक क्या करता है उसको 98.5 रुपये दे देता है और कहता है कि मैंने तेरा नाम लिखवा दिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, तेरे को अपनी रबी क्रॉप के लिए 1.5% का प्रीमियम चुकाना था, ठीक है, मैंने ऑलरेडी तेरे लोन में से काट लिया है वो प्रीमियम, मैं भर दूंगा, ठीक है। तो ये लोन लेने जाता था तो बैंक ऐसे काम करती थी, ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी। और ऐसी इंस्ट्रक्शन क्यों थी, क्योंकि ये बोल रखा था कि जितने भी लोनी फार्मर्स होंगे जो भी लोन ले रहे हैं वो मैंडेटरीली मैंडेटरी है उनके लिए कि उन्हें एनरोल कराना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। अब गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, किसानों ने कहा था कि भाई हमारे पास चॉइस होनी चाहिए, तुम मैंडेटरी क्यों कर रहे हो हमारे लिए, तो किस फार्म सॉरी गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अब ये मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंटरी है, अगर एनरोल कराना चाहते हो तो करा लो, बैंक को बता देना वो पैसे काट लेगा, वरना कोई बात नहीं मौज लो, ठीक है। तो एक तो ये कर दिया, दूसरा क्या किया है, ये खेत है, खेत में फसल खराब हो गई तो
जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका एक आदमी जाता था ये देखने के लिए कि कितनी फसल बर्बाद हुई है, उसे कितना रुपया मिलना चाहिए था इंश्योरेंस का। तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए भी अब एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी। तो वॉलेंट्री कर दिया है फार्मर्स के लिए, पहले मैंडेटरी था लोनी फार्मर्स के लिए कि उन्हें इंश्योरेंस लेना ही है। दूसरा काम क्या किया है, मैं बार बार आपसे कह रहा था कि रावी है तो 1.5% फार्मर देगा, 98.5% जो है वो सेंटर और स्टेट मिलके देंगे। अब सेंटर ने क्या किया है, सेंटर ने कहा है, पहले क्या होता था, सेंटर 50% पैसा देता था और 50% स्टेट देता था, यानी 98.5 का 50% आप देख लीजिए कितना होगा, 49.25 शायद, तो ये देख लीजिएगा। तो 49.25 ये देता था, 49.25 स्टेट देता था। अब सेंटर ने क्या कहा है कि मैं 50% नहीं दूंगा, मैं 50% नहीं दूंगा, मेरा जितना भी हिस्सा है, मैं जितना भी बचता है मैं इसका सिर्फ 25% दूंगा, 75% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो देखिए आप कैसे हो जाएगा, मान लीजिए किसी किसान का, किसी किसान का एग्जाम्पल लेते हैं, किसी किसान का इंश्योरेंस प्रीमियम हम मान लेते हैं पड़ रहा है 102 रुपये, किसान के हिस्से में आ रहा है मान लीजिए 2 रुपये, तो गवर्नमेंट को कितने देने थे, गवर्नमेंट को 100 रुपये देने थे। तो पहले क्या होता था, 50 रुपये केंद्र देती थी, 50 रुपये राज्य देते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि भाई मेरे से 50 रुपये नहीं दिए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है मुझसे 50 रुपये नहीं दिए जाएंगे, मैं सिर्फ 25 रुपये दूंगा, बाकी जो 75 बचा वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इस चेंज के बाद स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ रहा है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगी। इसके अंदर अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि सेंटर ने ये तो कह दिया कि मैं 25 दूंगी, पर ये 25 मैं दूंगी अगर वो खेत इरिगेटेड है, तो अगर उस खेत पे इरिगेशन की फैसिलिटी है तो मैं 25 रुपये 25% दे दूंगी, 75% स्टेट को देना है। अगर उस खेत के पास इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, वो मॉनसून डिपेंडेंट है, तो सेंटर ने कहा कि मैं 30 रुपये दे दूंगी और जो राज्य हैं वो 70 रुपये दे देंगे। और अगर ये खेत किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, नॉर्थ ईस्ट में ये है ठीक है, जो सेवन सिस्टर्स होती हैं, तो अगर ये किसी आसाम अरुणाचल मणिपुर ऐसे स्टेट में है तो सेंटर 90 रुपये देगी, 10% देगा राज्य, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 25, 30 और 90, इरिगेटेड, अनइरिगेटेड और नॉर्थ ईस्ट में। तो यह सेंटर ने अपना शेयर, प्रीमियम सब्सिडी का जो शेयर है वो रिड्यूस कर दिया है, पहले 50% होता था इरिगेटेड में, उसको 25% कर दिया इरिगेटेड में और 30% कर दिया अनइरिगेटेड में, जो आपको अभी समझाया, और 90% कर दिया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, इरिगेटेड किसको माना जाएगा, तो मान लीजिए कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट का 50% हिस्सा इसके पास इरिगेशन की फैसिलिटी है, तो इसको इरिगेटेड कहेंगे। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 49% हिस्सा इरिगेटेड है तो उसको अनइरिगेटेड कहेंगे, 49 या फिर उससे कम, ये याद रखना है आपको। और मैंने कहा था कि फसल कितनी बर्बाद हुई उसको असेस करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जिसका नाम है स्मार्ट सैम्पलिंग टेक्निक। लोकलाइज्ड वाला मैं आपको बता चुका हूं, ये आपको एक छूट और दे दिया सेंटर ने कि अगर कोई और रिस्क, कोई और जैसे अभी हुई हेल स्टॉर्म कवर्ड है, मान लीजिए टिड्डी अटैक, ठीक है, लोकस्ट अटैक जो है, टिड्डी दल का जो हमला होता है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाए तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, तो कोई भी रिस्क स्टेट गवर्नमेंट इसमें जोड़ सकती है। ये एक फैक्ट है जो कि यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईपीएफओ के लिए इतना नहीं है। तो इसके अंदर क्या है कि देखिए वो प्रीमियम पे करता है किसान, कंपनी के पास जाता है जब उसकी फसल बर्बाद हो रही होती है या फिर किसी भी तरह से नुकसान होता है, फिर कंपनी उसको पैसे देती है। कंपनी पहले असेस करती है कि कितना डैमेज हुआ और उसको कितना रुपए देना है, अगर उसको लगता है कि नहीं उसको पैसा नहीं देना तो वो उसके क्लेम को रिजेक्ट कर देती है, कहती है कि तुम्हारा जो ये इंश्योरेंस पे क्लेम है ये मैं रिजेक्ट कर रही हूँ क्योंकि फलाना फलाना कारण से तुम्हें पैसा नहीं मिलना चाहिए। तो ये इंश्योरेंस कंपनी अभी ये चालाकी कर रही है, ये स्कीम की क्रिटिसिज्म है कि इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज़्यादा रिजेक्शन कर रही है, पहले जो रिजेक्शन होता था उससे 10 गुना ज़्यादा रिजेक्ट कर देती है। तो इससे क्या होता है, कंपनी के पास तो प्रीमियम के नाम से कमाई हुए जा रही है, तो कंपनियां अमीर होती जा रही हैं, लेकिन जब किसान कहता है कि मेरे को पैसे दे, मेरे पास मेरा नुकसान हो गया मुझे पैसे की जरूरत है, तो कंपनी उसके क्लेम को रिजेक्ट कर देती है कि नहीं तेरा इंश्योरेंस के अंदर नहीं आता।
तो ये एक खराब चीज़ हो रही है, इसकी क्रिटिसिज्म है। अगली स्कीम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्कीम है, इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है स्कीम ये। इसके बारे में आपको ये जानना चाहिए, देखिए कोई भी कंट्री ग्रो करती है तो उसको पावर की ज़रूरत पड़ती है। पावर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्री चलानी है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, गाड़ी चलानी है तो फ्यूल चाहिए, ट्रक चलेंगे जब सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो ट्रक चलते हैं उसके लिए पैसा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये जो पावर है, ये पावर कहाँ से आती है? पावर आती है बिजली से, पावर आती है तुम्हारी फ्यूल से। पावर फ्यूल में आप देख सकते हैं, फ्यूल ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा है वो है पेट्रोल एंड डीजल। अभी के लिए हम भूल जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को भूल गए। तो पावर के लिए हमें फ्यूल चाहिए जो कि है पेट्रोल और डीजल। और आप ये याद रखें कि इंडिया अपना लगभग 80% ये जो पेट्रोल और डीजल की डिमांड है, 80% वो इंपोर्ट करती है, बाहर से मंगाती है। इंडिया इतना ज़्यादा फ्यूल खुद से प्रोड्यूस नहीं करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। जब भी इंडिया कोई चीज़ इंपोर्ट करती है तो उसका भुगतान वो डॉलर में करेगी, यानी कि इंडिया के पास मान लीजिए आज की डेट में 100 डॉलर हैं, सिर्फ ये एग्जाम्पल है, इंडिया के पास 100 डॉलर हैं, उसने 10 रुपये का पेट्रोल बाहर से मंगा लिया तो इंडिया को ये 10 डॉलर देने पड़ेंगे, सॉरी 10 डॉलर का पेट्रोल मंगाया है तो 10 डॉलर देने पड़ेंगे इंडिया के पास। अब कितने रह गए? 90 डॉलर रह गए। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया कहे कि मैं रुपये में पेमेंट कर दूँ, ठीक है, ये नहीं होता है, आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या हो गया? आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाता है, तो इम्पोर्ट की वजह से आपका फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है फ्यूल। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास गन्ना होता है, हम इस गन्ने से क्यों ना कोई एक और फ्यूल बना लें जिसको नाम दे देते हैं बायोफ्यूल। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई और पता चला कि गन्ने से ये फ्यूल बनाया जा सकता है। सिर्फ गन्ने से नहीं, वीट से भी बनाया जा सकता है, राइस से भी बनाया जा सकता है, कोई भी चीज़, पोटैटो हो गया, कोई भी चीज़ जिसके अंदर स्टार्च होता है, जिसका हाई शुगर कंटेंट होता है, वहाँ से हम एक फ्यूल बना सकते हैं। ये जो फ्यूल है इसको हम ईंधन की तरह यूज़ कर सकते हैं और ऐसे फ्यूल को बायोफ्यूल कहने लगे। तो अब क्या दिक्कत क्या आई कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा राइस होता है, वीट होता है, तो हम उसको यूज़ करके बायोफ्यूल बनाने लग गए। तो जब हमने वीट और राइस को यूज़ करके बायोफ्यूल बनाया तो लोगों के पास खाने की किल्लत होने लग गई, शॉर्टेज होने लग गई, इनका दाम बढ़ने लग गया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो फूड सोर्स है, वीट और राइस एक तरह का फूड सोर्स है, इसको लोग खाते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये फूड सोर्स मत यूज़ करो, तुम किसी तरह से नॉन फूड सोर्स यूज़ करो। नॉन फूड सोर्स क्या होते हैं कि तुमने मान लीजिए राइस की खेती करी, राइस होता है इतने हिस्से में, तुमने जब इसकी धान निकाली इतना हिस्सा काट के तुम ले गए, सिर्फ ये हिस्सा तुम मार्केट में बेचते हो, ये जो है ये वहीं पे खड़ा रहता है, इसको कहा जाता है एग्रीकल्चर रेसिड्यू, ठीक है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू होता है। ऐसे ही बहुत सारी लकड़ियां पड़ी होती हैं जो कि बेकार होती हैं, वुड होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी इस हिस्से को नहीं खा रहा, कोई भी लकड़ी को नहीं खा रहा, तो तुम एक काम करो, नॉन फूड सोर्स यूज करो जिसमें तुम एग्रीकल्चर रेसिड्यू या फिर वुड को यूज करो। तो वो करने लग गए। फिर उसके बाद बात हुई कि ये भी कितना होगा, इसकी भी पूर्ति नहीं होगी, हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए जिसको हम उगाएं और फिर उगाने के बाद उससे बायोफ्यूल बना लें। तो एलगी को उगा के उससे बायोफ्यूल बनाने की बात होने लग गई, एलगी को उगाने के बाद। तो ये हमने क्या देखा, पहले हम फूड सोर्स यूज कर रहे थे, फूड सोर्स से क्या हो गया, हमें नॉन फूड पे आना पड़ा, नॉन फूड के बाद हम एक एलगी सोर्स पे आए, ठीक है। तो पहली बार जब हमने बायोफ्यूल बनाने चालू किए थे फूड सोर्स से, उसको कहा गया फर्स्ट जनरेशन फ्यूल्स, बायोफ्यूल्स। फिर जब नॉन फूड सोर्स यूज करने लगे उसे कहा सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, जब एलगी यूज होने लगी तो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। जब लोगों को पता चला कि एलगी से ये हो सकता है तो उन्होंने कहा कि कोई एक और तरीका निकालो जिसमें हम एनवायरमेंट को और हेल्प कर सके, तो बनेगा हमारा फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। तो पहले हम बायोफ्यूल की देख लेते हैं क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे, फिर उसके बाद हम ये बायोफ्यूल या इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम देखेंगे। देखिए फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स कौन से हैं, ये फूड क्रॉप से बनते हैं। फीड स्टॉक क्या होता है,
किसी भी चीज़ के अंदर बायोफ्यूल बन रहा है तो उसके अंदर कुछ इनपुट डाला जाता है, उसे फीड स्टॉक कहते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल का फीड स्टॉक फूड क्रॉप थी। कौन कौन से? जैसे शुगर, स्टार्च, ऑयल, ठीक है। स्टार्च आपको मिलता है पोटैटोज के अंदर, राइस के अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। सेकेंड जनरेशन में क्या कहा? नॉन फूड प्लांट यूज़ करो, जैसे कि एग्रीकल्चर क्रॉप रेसिड्यू, वुड, जिनको लिग्नो सेलुलोलोजिक बायोमास भी कहा जाने लगा। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि एल्गी। एल्गी जो है बहुत ही लो कॉस्ट में उग जाती है और बहुत ज़्यादा यील्ड देती है, 30 गुना ज़्यादा यील्ड देती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स। फोर्थ जनरेशन में क्या कहा कि हम एनवायरनमेंट को और भी बेनिफिट देना चाहते हैं, तो हम उगाएंगे तो एल्गी, लेकिन इस एल्गी को, एल्गी के जीन्स को हम मॉडिफाई कर लेंगे और ये जो एल्गी है ये एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगी, उसको कहा जाता है कार्बन कैप्चर करेगी और सिक्वेस्टर करेगी। तो ये एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख के जमा कर लेगी, उसको यूटिलाइज करके एल्गी बनेगी और इस एल्गी से हम फ्यूल बनाएंगे। तो ये क्या कर रहा है? ये हमारे एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर रहा है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को फायदा पहुंचाएगी। ये हमारा फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल होगा जिसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गी बनाई जाएगी। अब हमने बायोफ्यूल बना लिया, तो क्या पूरी तरह से गाड़ी बायोफ्यूल पे चल सकती है? क्या मैं अपने गन्ने से बायोफ्यूल बना लिया, अब मैं अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी के अंदर उसको भर दूंगा वो चलेगी? नहीं, वो नहीं चल पाएगी। हमें पेट्रोल तब भी यूज़ करना पड़ेगा। बस अब क्या हो गया, मान लीजिए ये मेरा पेट्रोल टैंक है, तो पेट्रोल अभी भी यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अब क्या हो गया, मैं 80% पेट्रोल भरवाऊंगा और 20% बायोफ्यूल डाल लूंगा, 20% बायोफ्यूल डाल लूंगा और बाइक चलती रहेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2018 के अंदर बनाई नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। इस बायोफ्यूल पॉलिसी का मकसद क्या था कि 2030 तक, 2030 तक हम अपने पेट्रोल का जितना भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए हम 100 लीटर पेट्रोल पूरे इंडिया के अंदर यूज करते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हमारा टारगेट है 2030 तक हम 80 लीटर पेट्रोल यूज करें और इसमें 20 लीटर, 20 लीटर बायोफ्यूल मिला दें। तो पेट्रोल कितना कर देना है हमें? 80% और 20% ब्लेंड कर देंगे। ये जो मिलाना कह रहे हैं इसको ब्लेंडिंग कहते हैं। तो पेट्रोल के अंदर ही ब्लेंड कर दिया जाएगा बायोफ्यूल को 20% तक। ये तो हो गई पेट्रोल की बात। डीजल के केस में क्या कहा? डीजल के केस में कहा 95% डीजल होगा और 5% हम इसके अंदर बायो डीजल मिला देंगे, बायो डीजल मिला दिया जाएगा। तो ये हमारी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है जो 2030 के लिए ये टारगेट रखती है कि 20% बायोफ्यूल या फिर जो पेट्रोल में मिलाया जाएगा उसको कहा जाएगा इथेनॉल, जो डीजल में मिलाया जाएगा 5% हम डीजल में मिलाएंगे, डीजल में मिलाएंगे उसको कहा जाएगा बायो डीजल। तो डीजल में क्या मिलाते हैं? बायो डीजल। पेट्रोल में मिलाते हैं इथेनॉल। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इथेनॉल आप डीजल में नहीं मिलाएंगे। ये हमारा टारगेट था 2030 के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई जिसका नाम है इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसके अंदर क्या है कि अगर कोई आदमी अपना प्लांट लगाता है, अपना कोई फर्म स्टेब्लिश करता है जहां पे वो बायोफ्यूल मैन्युफैक्चर कर रहा है, देखिए 20% इथेनॉल अगर मिलाना है तो हमें इथेनॉल बनाना भी तो पड़ेगा, और इंडिया अभी बहुत ही कम इथेनॉल बनाता है। तो गवर्नमेंट चाहता है कि इथेनॉल बनाने के लिए लोगों को एनकरेज किया जाए, बायोडीजल बनाने के लिए लोगों को एनकरेज किया जाए। तो वो क्या कहते हैं, तुम एक काम करो, तुम प्लांट लगाओ बायोफ्यूल बनाने के लिए, तुम्हें जितना भी ब्याज देना पड़ेगा, तुमने लोन लिया होगा ये प्लांट लगाने के लिए, मान लीजिए इस लोन के लिए आपसे 14% की ब्याज मांगी जा रही है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि तुम्हें 14% नहीं, हम इसमें से 6% कम कर देंगे, खुद ही 6% कम कर देंगे, तुम सिर्फ 8% दे दो, ठीक है। तो इसको कहा जाता है इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होती है, मान लीजिए किसी ने लोन लिया, उस लोन की कुछ भी ब्याज देनी है, मान लीजिए 10% ब्याज देनी है, गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम 2% इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जितनी भी ब्याज थी उसका अब तुम्हें सिर्फ 8% देना है, 2% कम कर दो तो तुम्हारी ब्याज 8% रह जाएगी। बायोफ्यूल के केस में गवर्नमेंट ने कहा है कि हम तुम्हें कितना इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे, हम तुम्हें या तो 6% दे दो तुम, या फिर जितने पे भी तुम्हें लोन मिला था, जिस भी इंटरेस्ट पे, जिस भी ब्याज पे लोन मिला था उसका 50% दे दो। यानी कि अगर तुम्हें लोन मिला था 14% पे, तो इसका 6% दे दो या तो, या फिर तुम इसका दो, इसका 50% हो जाएगा 7%। तो कौन सा कम पड़ रहा है? 6% कम पड़ रहा है, तो जो भी कम पड़ेगा वो लोग पे कर देंगे। तो ये थी इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम।
तो इस स्कीम के अंदर अभी चेंज क्या हुआ, जिस वजह से हमें ये याद रखनी है कि पहले हम चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ मोलेसिस मोलेसिस बेस्ड इंडस्ट्री जो है वही, यानी कि मोलेसिस गन्ने से निकलता है, तो शुगर केन बेस्ड इंडस्ट्री जो है उन्हीं को ही ये स्कीम का लाभ मिलता था। लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि अगर हमें 2030 तक ये टारगेट और ये टारगेट अचीव करना है तो हमें मोलेसिस के अलावा ग्रेन्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हमें टारगेट अचीव करना है तो हम फर्स्ट जनरेशन ही यूज़ कर लेंगे। तो जो ग्रेन्स होते हैं जैसे कि मक्का हो गया, कॉर्न हो गया, मेज हो गया, इन सब को भी यूज़ करके अगर तुम बायोफ्यूल बना रहे हो तो भी तुम्हें इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ मिल जाएगा, पहले सिर्फ गन्ने वाले यानी मोलेसिस बेस्ड वालों को मिलता था। अब एक बार आप देखते चलिए जल्दी जल्दी, इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या कहती है कि मोलेसिस बेस्ड डिस्टिलरीज अगर कोई लगाएगा, ठीक है, तो उसको 5 सालों तक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का लाभ मिल सकता है, यानी कि या तो तुम 6% की ब्याज दे दो या फिर जितनी तुम्हारी ब्याज है उसका सिर्फ आधा दो, यानी कि अगर तुम्हारी ब्याज 10% थी तो तुम या तो 6% ब्याज दे दो या फिर इसका आधा 5% ब्याज दो, जो भी कम है वो दे सकते हो तुम, तो लोग 5% दे देंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये क्या हर एक डिस्टिलरी को मिलेगा, हर एक डिस्टिलरी को नहीं मिलता है, ये सिर्फ उन मोलेसिस बेस्ड डिस्टिलरीज को मिलेगा जो कि 75% एथेनॉल बना के ऑयल मार्केटिंग कंपनी को दे देंगे कि तुम ब्लेंड कर लो। देखिए, इथेनॉल बनी, इथेनॉल बनाई, मान लीजिए शुगर केन की किसी की इंडस्ट्री थी, उसने इथेनॉल बनाई, वो इस इथेनॉल को कैसे यूज कर सकता है, वो इसको किंगफिशर को दे सकता है, विजय माल्या को, जो इसकी बियर बनाएगा और लोग मस्त रहेंगे। दूसरा इसका काम क्या है, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दे सकता है जो कि इसको पेट्रोल में मिक्स करेंगे और खुश रहेंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम अपनी इथेनॉल का 75% या उससे ज़्यादा देते हो इनको तो ही तुम्हें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम मिलेगी, किंग फिशर को दे दी तो बस विजय माल्या की बल्ले बल्ले तुम्हारी नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसको एक्सटेंड कर दिया कि ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज को भी, देखिए दारू तो चावल से भी बनती है, आलू से भी बनती है, लेकिन गवर्नमेंट के पहले किसको देती थी, सिर्फ तुम मोलेसिस बेस्ड इंडस्ट्री से चलाओ, लेकिन अब क्या कह दिया, तुम ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज को भी दिया जाएगा। सिग्निफिकेंस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ईपीएफओ के लिए, लेकिन आप फिर भी देखिए, सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है वो है 1000 करोड़ लीटर की, लेकिन वो बना पाती है सिर्फ 200 करोड़ लीटर से भी कम, तो इसीलिए सीरियल्स को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज को इंक्लूड कर दिया है, तो बारले, मेज, कॉर्न, राइस को यूज़ करके भी बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। ये जो इथेनॉल है ये इंडिजीनस है, नॉन पॉल्यूटिंग है और इनएग्जॉस्टिबल है, तुम्हें इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तुम पहले 100 लीटर पेट्रोल इम्पोर्ट कर रहे थे, अब तुम्हें सिर्फ 80 लीटर करना है, तो तुम्हारा जो बिल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, एक और स्कीम आपको इसी के साथ याद रखनी है जो कि है प्रधानमंत्री जीवन योजना। इस स्कीम के अंदर क्या होता है, इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। इसका क्या मतलब होता है, वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब होता है किसी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए चाहिए थे 100 रुपए, आदमी के पास थे सिर्फ 80 रुपए, तो गैप आ गया, कितने रुपए का गैप आ गया, 20 रुपए का गैप आ गया। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, अरे तू चिंता मत कर, हमारी स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री जीवन योजना, हम इस जीवन योजना के अंदर तेरे इस गैप को फिल कर देंगे। तो इसको कहा जाता है वायबिलिटी गैप फंडिंग, तो वो 20 रुपए गवर्नमेंट किसी तरह इन्हें प्रोवाइड कर देगा। ये कैटेगरीज ऑफ बायोफिल मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप हमें सहयोग करना चाहते हैं, हमारी थोड़ी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप इस यूपीआई आईडी के ऊपर डोनेट कर सकते हैं। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे वहाँ पे ये यूपीआई आईडी इंसर्ट करके डोनेशन की जा सकती है। ये डोनेशन किसी भी कोर्स की फीस नहीं है, ये सिर्फ एक सहयोग राशि है जो कितनी भी हो सकती है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप 100 रुपये, 1000 रुपये या कुछ बड़ी अमाउंट डोनेट करें, आप 1 रुपये से ज़्यादा कितना भी डोनेट कर सकते हैं, 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, आपका हर एक कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है और हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता रहता है, हमें एनकरेज करता रहता है कि हम इसी तरह से आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। अगर आप नहीं कर सकते हैं किसी भी कारणवश, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री किसान स्कीम बहुत ही आसान स्कीम है, ठीक है, इसके अंदर किसान नाम है तो किसान को 6000 रुपये हर साल मिलेंगे, 6000 रुपये हर साल मिलेंगे, 2-2 हज़ार रुपये की किश्तों में, यानी कि हर 4 महीने के बाद उसको 2000 रुपये उसके डायरेक्ट
खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसको कहा जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी जितना भी बेनिफिट है, पहले क्या होता था कि सरकार ये बैठी है, ये किसान बैठा है, यहाँ पे वो एक एम्प्लॉय को अपॉइंट कर देती थी, ठीक है, एक बाबू को अपॉइंट कर देती थी। अब इस फार्मर को जो भी पैसा, जो भी बेनिफिट मिलना होता था, सरकार ने कोई स्कीम के अंदर 100 रुपये देने हैं किसान को, तो ये जाता था इस बाबू के पास, बाबू उसको 3-4 चक्कर कटवाता था, फिर 100 रुपये देता था, उसके आने जाने में ही 10 रुपये लग चुके होते थे, तो उसके 90 रुपये ही होते थे। फिर अगर कोई रिश्वत खोर निकला तो हो सकता है वो 100 रुपये में सिर्फ 80 रुपये दे। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम डायरेक्टली तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जिसे कहा गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इसमें पीएम किसान के अंदर ये जो 2-2 हज़ार रुपये की 3 किश्तें हैं, ये डायरेक्टली किसान के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। याद रखने लायक बात क्या है कि इसकी पूरी की पूरी 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। दूसरी चीज़ कि क्या ये हर किसान को मिलती है? नहीं, ये हर किसान को नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ लैंड ओनर किसान अगर होगा उसी को मिलेगी। यानी कि अगर आप किराए पे जमीन लेके खेती बाड़ी कर रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये इसकी क्रिटिसिज्म भी है। इसका ये क्यों दी जाती है? देखिए, 2,000 रुपये से वो अपना, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे बीज खरीद लेगा, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर खरीद लेगा, ये बेसिकली उसकी इनकम को सपोर्ट करती है। कोई किसान पहले 100 रुपये कमा रहा था, इसकी वजह से अब उसके अकाउंट में मान लीजिए 10,000 रुपये कमा रहा था, इसकी वजह से उसके पास अब 12,000 रुपये हो गए, तो ये उसकी इनकम को सपोर्ट कर रही है। इस इनकम को वो कैसे भी यूज़ कर सकता है। तो लैंड ओनर होना चाहिए, कितनी ज़मीन होनी चाहिए उसके पास, कितनी भी हो। जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी नई नई, तो ये कहा गया था सिर्फ छोटे किसानों को ये स्कीम का फायदा मिलेगा, यानी 6,000 रुपये छोटे किसानों को मिलेंगे। छोटे किसान कौन से? जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम होती है, वो छोटे होते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कहा जाता है उन्हें। लेकिन अब क्या कह दिया कि ऐसी कोई लिमिट नहीं है, हर किसान जिसके पास कितनी भी जमीन हो, चाहे 1,000 हेक्टेयर भी क्यों ना हो, उसको भी ये 6,000 रुपये हम दे दिया करेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बना हुआ है। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है? मान लीजिए कोई किसान था जो कि प्रधानमंत्री बन गया, क्या ये प्रधानमंत्री को भी 6,000 रुपये मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। कोई किसान था, कोई किसान है अभी भी, लेकिन उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, क्या उसको अभी भी मिलेंगे? उसको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाया। कोई कंपनी थी, उस कंपनी ने, कंपनी का काम है खेती बाड़ी करना, तो उसने अपने आप को एज अ फार्मर दिखा रखा है, क्या उसको भी मिलेंगे? नहीं। किसी इंस्टीट्यूशनल कंपनी यानी कि इंस्टीट्यूशन है, तो किसी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर को नहीं मिलेगा। कोई भी फार्मर फैमिली जो कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पीएम, प्रेसिडेंट, एमपी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करता है, कैग बन गया है कोई, तो उसको भी नहीं मिलेगा बेनिफिट। कोई भी एम्प्लॉय है, रिटायर हो या सर्विंग हो गवर्नमेंट का, उसको नहीं मिलेगा। कोई भी प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, उसको नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसा आदमी जो कि पेंशन ले रहा है 10,000 रुपये की, उसको भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ इनको छोड़ के हर एक किसान जो कि लैंड ओन करता है, उसको 6,000 रुपये मिलेंगे। ये आपकी पीएम किसान योजना है, ठीक है। स्वामित्व, ये भी बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट स्कीम है। स्वामित्व के अंदर क्या हुआ है, देखिए आज की डेट में गांव में क्या होता है, उनको पता है कि उनके पूर्वज यहाँ पे खेती बाड़ी करते थे, तो अब वो भी करने लग गए, उनके बच्चे कल करेंगे, फिर उनके बच्चे कल करेंगे। लेकिन उनको, उनसे अगर पूछा जाए कि दिखाओ इसके कागज, तो वो कहेंगे कागज हम नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है, अच्छा अब देखिए क्या हो गया, ये हमारे रामलाल जी हैं, रामलाल जी के पास इतना बड़ा खेत पड़ा है, लेकिन इनके पास इसका कोई भी कागज नहीं है। सबको पता है कि ये खेत रामलाल का है, पूरे गांव को पता है ये खेत रामलाल का है, तो वही खेती बाड़ी करता है, लेकिन इसका कागज नहीं है। कल को इसने कहा कि भाई मेरे बच्चे तो खेती बाड़ी नहीं करना चाहते, हम तो शहर में सेटल होना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरी ये जो जमीन पड़ी है, मैं इस जमीन को बेच के शहर में चला जाऊं। तो वो गया किसी आदमी के पास बेचने के लिए, मान लीजिए सोहन लाल के पास गया, तो सोहन लाल कहेगा कि भाई तेरे पास तो कोई कागज ही नहीं है, मैं तेरे से जमीन खरीदूं कैसे? गांव वालों को पता है तेरी जमीन है, मुझे पता है तेरी जमीन है, लेकिन सरकार तो नहीं मानेगी कि ये तेरी जमीन है जो तू मुझे बेच रहा है, तो भाई मुझे तो पेपर चाहिए। तो क्या हो गया, रामलाल के पास इतनी जमीन तो पड़ी है, लेकिन क्या वो उसको एज इकोनॉमिक रिसोर्स यूज कर पाएगा अगर वो उसको बेचना चाहता है तो वो नहीं हो सकता। कल को मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई हाईवे निकालना है, मान लेते हैं एक हाईवे निकालना है, और वो हाईवे इसके खेत से होके जा रहा है, तो गवर्नमेंट कहेगी कि भाई तेरा इतना खेत हम खरीद लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, और बदले में तू हमसे पैसा ले ले, तू अपने कागज लेके कल आ जाइयो। वो कहेगा कागज तो मेरे पास है नहीं, तो गवर्नमेंट कहेगा कि भाई फिर तो तू भूल जा कि तेरे पास खेत है, ये जमीन हमने एक्वायर कर ली,
और तेरे को अब हम पैसे भी नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि ये खेत तेरा था ही नहीं, ऐसा हो सकता है। तो अब क्या कर दिया, स्वामित्व के अंदर हम क्या करेंगे, ड्रोन्स को यूज करेंगे जो कि जाएगा और जमीन का सर्वे करेगा, लोगों को यूज करेंगे, लोग जाएंगे और जमीन का सर्वे करेंगे। ये जो सर्वे होगा, इस सर्वे से हम ये पता लगाएंगे कि कौन सी जमीन कहाँ पर है, और उसके बाद इस जमीन का ओनर कौन है। जो भी इसका ओनर होगा उसको उसके प्रॉपर्टी के कागजात प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। स्वामित्व क्या होता है, ओनरशिप। तो आप क्या कर रहे हैं, हम ओनरशिप राइट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको मंत्रालय दिया जाएगा। मंत्रालय कौन सा होगा, देखिए दो ही मंत्रालय आपको कंफ्यूज करेंगे। पहला मंत्रालय होगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, आप समझेंगे गांव क्या इसमें भला हो रहा है, तो ये रूरल डेवलपमेंट होगी, पर ये मंत्रालय नहीं है। इसका मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये आप याद रखना है। रूरल डेवलपमेंट भले ही हो रही है पर मंत्रालय पंचायती राज का है। क्यों है, क्योंकि ये जो स्कीम है ये गांव से जुड़ी हुई है। ये देखिए सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग, तो इसमें जो गांव में पंचायत होती है, पंचायत का रोल बहुत हाई होगा, क्योंकि वही बताएंगे कि हाँ ये रामलाल का ही खेत है, इसके नाम पे पेपर कर दो। तो इसीलिए पंचायती राज मिनिस्ट्री आप इसमें याद रखेंगे। दूसरा टेक्नोलॉजी, वो आपसे सीधा पूछेंगे इसमें ड्रोन यूज हो रहा है, आंख बंद करके हाँ मारना, ड्रोन से ही वो सर्वे करेंगे। इसके अंदर ये डिपार्टमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। देखिए जब भी जो भी लैंड के रिकॉर्ड्स होते हैं, लैंड के रिकॉर्ड किसके पास रखे होते हैं, लैंड के रिकॉर्ड रखे जाते हैं जो भी राज्य का स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा उसके पास। क्यों, क्योंकि लैंड के ऊपर टैक्स जाता है। टैक्स कौन देता है, जो लैंड का ओनर होगा। टैक्स कौन कलेक्ट करता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है। तो इसीलिए जो भी लैंड के रिकॉर्ड होते हैं वो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है। तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये दोनों तो पंचायत के हैं तो आप इसमें मार्क कर देंगे। स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको पता नहीं होगा इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि वो क्यों इन्वॉल्व है। सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपको क्या जानना है, सर्वे ऑफ इंडिया का अपना एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है। तो देखिए सर्वे ऑफ इंडिया इंडिया की ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये 1700s में बनी थी, तो ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप याद रखेंगे, ठीक है, ओल्डेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर साइंटिफिक डिपार्टमेंट। दूसरी चीज क्या याद रखेंगे, सर्वे ऑफ इंडिया किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, सर्वे ऑफ इंडिया आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है ये, ठीक है। जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, तो टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन यूज हो रही है, तो जो ड्रोन यूज करेंगे वो कौन प्रोवाइड करेगा, सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। तो सारी टेक्नोलॉजिकल चीजें सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे हमें दे देगा। अच्छा, जो इसमें राइट मिल रहा है, डॉक्यूमेंट दे रही है, वो सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है, कमर्शियल नहीं है, ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, रूरल रेजिडेंशियल एसेट जो है, लैंड एक एसेट होता है, तो जो ये एसेट है उसको मोनेटाइज किया जा सके, यानी कि कल को बेचने जाए तो बेचने जा सके। गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी टैक्स एक्यूरेटली कलेक्ट होगा, अभी तो लैंड के रिकॉर्ड ही नहीं है तो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैसे कलेक्ट करे नहीं पता। कई बार क्या होता है, रामलाल की जमीन है उसके ऊपर किसी और ने कब्जा कर लिया, ठीक है, सोहन लाल ने कब्जा कर लिया, तो वो उनको कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट वाला कहता है भाई कागज तो दिखाओ रामलाल, तो वो कहता है कागज मेरे पास नहीं है, तो कोर्ट भी फंस जाता है कि किसके फेवर में डिसीजन दे, सोहन कह रहा है उसकी जमीन, राम कह रहा है उसकी जमीन। तो जब उनके पास डॉक्यूमेंट आएंगे तो ये जो डिस्प्यूट्स हैं वो डिस्प्यूट रिड्यूस हो जाएंगे। इसके अंदर हम जीआईएस मैप का यूज करेंगे इसके अंदर। अच्छा देखिए, कुछ जो जमीन है, इस जमीन पे ये खेत है जिसपे रामलाल खेती बाड़ी कर रहा है, ये खेत है जिसपे सोहनलाल खेती बाड़ी कर रहा है, इसके अंदर किशन सिंह कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक तालाब है, यहाँ पे एक पॉन्ड बना हुआ है, ये पॉन्ड किसका है, ठीक है। तो ये तो क्या होते हैं, ये होते हैं इंडिविजुअल ओनर, रामलाल सोहनलाल ये इंडिविजुअल ओनर होते हैं, ये जमीन किसी इंडिविजुअल के। पर तालाब को कौन ओन करता है, तालाब किसका होता है, तालाब होता है कम्युनिटी का, यानी कि यहाँ पे राम भी आके पानी पी सकता है, श्याम भी पी सकता है, सोहन मोहन किशन हर कोई पी सकता है, तो तालाब कम्युनिटी का होता है, तो इसको कहा जाता है कम्युनिटी एसेट, कम्युनिटी एसेट। तो इस कम्युनिटी एसेट की ओनरशिप के लिए किसको यूज किया जाएगा, इसके डॉक्यूमेंट कौन बनवाएगा, इसके डॉक्यूमेंट के लिए हम ग्राम पंचायत को यूज करेंगे। तो ग्राम पंचायत की जितनी भी एसेट है या कम्युनिटी की जितनी भी एसेट है, जैसे कि सड़क हो गई, तालाब हो गए, कैनल्स हो गए, ओपन जगह है, किसी को नहीं पता कि इसका ओनर कौन है, स्कूल आंगनवाड़ी, ये सब भी सर्वे किए जाएंगे, ये सब का भी सर्वे किया जाएगा और उसका मैप बनाया जाएगा।
इसकी अभी कवरेज जो है सिर्फ इतने विलेजेस के अंदर हो रही है, धीरे धीरे एक्सपेंड कर देंगे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लीजिएगा कि अगले फेज में इसको आठ स्टेट में लागू किया जाएगा। मंत्रालय में बता चुका हूँ, सर्वे ऑफ इंडिया बता चुका हूँ, यह पढ़ लीजिएगा, ये एक इसका दूसरा नाम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1767 में बनी थी, ओल्डेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आती है। अगली स्कीम देखेंगे अब हम, प्रसाद स्कीम, या फिर आज के लिए हम लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, प्रसाद स्कीम, और या चलिए 5 मिनट और सही, छोटी सी स्कीम है। प्रसाद स्कीम क्या होता है, इसमें आप प्रसाद में प्रसाद का एच याद रखेंगे, हेरिटेज। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हेरिटेज साइट हैं, हमारी इनको धरोहर कहा जाता है, तो ये जो साइट है यहाँ पे अगर फैसिलिटीज़ अच्छे से प्रोवाइड कर दी जाए, जैसे लाइटें लगा दें, यहाँ पे अच्छा पीने का पानी मिल जाए, यहाँ पे अगर कोई बाहर से आदमी घूमने आ रहा है उसको एटीएम की फैसिलिटी दे दी जाए, ये सारी चीज़ें जिनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, अगर हम हेरिटेज के आसपास ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें तो वहाँ पे टूरिज्म और इम्प्रूव हो जाएगा। तो जो हमारा प्रसाद स्कीम है ये टूरिज्म को प्रमोट करती है। इसमें कंफ्यूज करने के लिए जो मंत्रालय दिया जाएगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, ठीक है, तो आपको वो नहीं करना है, आप इसको करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है, 2014-15 में हुई थी, ये हेरिटेज एंड पिलग्रिमेज साइट्स को डेवलप करेंगे, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, जैसे कि रोड बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, एटीएम बनाएंगे, अच्छा पानी देंगे, पार्किंग की फैसिलिटी देंगे, ये सब कोई डिटेल नहीं पूछेगा, तो आपको ये सब रटना नहीं है कि क्या क्या देंगे, बस इतना याद रखना है कि किनको कर रहे हैं, कौन सी मंत्रालय है। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो पिलग्रिमेज की डेस्टिनेशन है उनको भी बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म भी आएगा, यहाँ पे प्रो पुअर टूरिज्म हो जाएगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट, बस ये एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें से कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब कौन कौन सी साइट है, क्या मान लीजिए ये एक स्टेट है, इस स्टेट के अंदर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला एक हेरिटेज साइट है, तो क्या यहाँ पे हम डेवलप करने के लिए पैसा लगाएं अंदर प्रसाद स्कीम या ना लगाएं पैसा, ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि ये हेरिटेज साइट है या नहीं, तो ये कहा गया है कि जो भी वहाँ की स्टेट है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है, तो अगर किसी यूनियन टेरिटरी में हो रहा है तो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट करेगी। और एक और फैक्ट आप याद रखेंगे कि अभी अभी एक फैसिलिटेशन सेंटर खोला गया है गुरुवायूर केरला में, ठीक है, ये नाम याद रख लीजिएगा बस। जैसी हमारी प्रसाद स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की एक और स्कीम है जिसका नाम है स्वदेश दर्शन। तो स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये एक स्टेट है, इस स्टेट के अंदर मान लीजिए यहाँ पे एक बुद्धिस्ट साइट है, 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 तो हम क्या करेंगे, हम एक सर्किट बना देंगे कि तुम आओ इस सर्किट पे घूमो, इस सर्किट का नाम है बुद्धिस्ट सर्किट, तो टूरिस्ट को बोलेंगे तुम आओ इस सर्किट पे घूमो, हमने इस पूरे सर्किट में बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रखी हैं। तो इससे क्या होगा, ये सारी की सारी टूरिस्ट साइट जो हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाएंगी। ऐसे ही मान लीजिए कि दो स्टेट हैं, यहाँ पे राम से जुड़ा हुआ कोई मंदिर है, यहाँ पे राम से जुड़ा मंदिर है, यहाँ पे राम से जुड़ा मंदिर है, हम क्या कहेंगे कि ये एक राम रामायण सर्किट है, तुम आओ इस पे घूमो, इस पे बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। तो स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की एक स्कीम है जहाँ पे हमने ऐसे ऐसे सर्किट बना दिए, टूरिस्ट सर्किट बना दिए हैं, और इन सर्किट की हम एक डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। ये जो सर्किट बनने के पीछे कंडीशन है वो ये है कि कम से कम तीन तीन मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन होनी चाहिए दूर दूर, जिनके ऊपर ये डेवलपमेंट हो, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके अंदर जो कंपनीज हैं चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, ये कंपनी कुछ पैसा अंडर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को देती है, हम इसको कहा जाता है सीएसआर फंड, हम इस सीएसआर फंड को भी यूज कर सकते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम के लिए। ये आपको याद रखना है, ये हमने सर्किट का नाम दे दिया है कि कौन कौन से सर्किट हैं, इन सर्किट को आपको याद रखने का भी मैं तरीका बताता हूँ, क्योंकि ये आपको याद रखनी है। तो आप कैसे याद करेंगे, देखिए ऐसे लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में इको टूरिज्म, दूसरा लिखेंगे आप वाइल्ड लाइफ, फिर लिखेंगे ट्राइबल, ठीक है, ये सारे के सारे किसी ना किसी तरह से जंगल से जुड़े हुए हैं, इको मतलब एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ जंगल, ट्राइबल भी जंगल, सिर्फ याद रखने का एक तरीका है।
दूसरा आप रीजन वाली चीजें कर लीजिए कि कौन कौन से चीजें किसी जगह पे डिपेंडेंट है, जगह से बनी हुई हैं। जैसे कि आपका डेजर्ट, डेजर्ट एक रीजन होता है। हिमालय, हिमालय आपका रीजन होता है। कोस्टल, कोस्टल रीजन हो गया। नॉर्थ ईस्ट आपका रीजन हो गया। तो ये आपके पांच चार रीजन हो जाएंगे। फिर आप कर लीजिए स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल ठीक है, और बुद्धिज्म को भी स्पिरिचुअल माना जाता है। रामायण, महाभारत ठीक है, सॉरी महाभारत नहीं, कृष्णा, महाभारत नहीं है ये, कृष्णा है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। रीजन में आप कैसे याद करेंगे कि भाई इंडिया अगर ये है ठीक है, मैप पे ज़्यादा वो मत देना इम्पोर्टेंस कि क्या बनाया मैंने, ये हिमालय आ गया, ये कोस्टल रीजन आ गया, ये डेजर्ट रीजन आ गया ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आ गया। तो ये सारे के सारे कवर हो गए। फिर इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ, ट्राइबल, और फिर स्पिरिचुअल के अंदर स्पिरिचुअल, बुद्धिस्ट, रामायण, कृष्णा। तो इससे आपको ये सारे के सारे सर्किट याद हो जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डू कंसिडर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अस, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, काफ़ी हेल्प मिलती है, जो भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। थैंक यू।